तो गाइस अभी हम नेक्स्ट वीडियो में आ चुके हैं। इसको कौन सा नदी बोलते हैं? सिप्ला नदी बोलते हैं इसको, सिप्ला नदी। ये आप देख सकते हैं, इसको सिप्ला नदी बोलते हैं। तो यहाँ पे नहीं, क्या एक पुतला है, मतलब आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे एक पुतला जैसा है थोड़ा, एक मूर्ति है, एक पता नहीं है। ये देखो, आप देख सकते हैं इसको, लेकिन यहाँ से दिखेगा नहीं आपको, आगे जाके ही दिखेगा जो कुछ भी है मतलब वो। तो वही मतलब अभी ये नहीं कि उज्जैन के, उज्जैन मंदिर है ना, उसके बाजू में ही है एक पुतला जैसा, आपको दिख जाएगा यहाँ पे आते वक्त। तो आगे चलते आपको ये देखो, ये नज़ारा देखो, आप देख सकते हैं इधर, पीछे भी देख सकते हैं। तो वही मतलब आगे बढ़ते हैं, और देखो यहाँ पे एक मूर्ति भी है, आपको दिखाता हूँ आगे। वही मतलब अभी आपको दिखाना था। देखो ये यहाँ पे एक मूर्ति जैसा है, आपको दिखाता हूँ अभी मैं जूम आउट करके। देखो एक मूर्ति है, आपको यहाँ से दिख जाएगा यहाँ पे, मतलब दो चार मूर्ति जैसा है। एक यहाँ पे देखो, एक कौन सा मंदिर है पता नहीं है, चलो मतलब यहाँ पे ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे शिवलिंग की मूर्ति, शिवलिंग के यहाँ पे आपको पता चल गया होगा। तो वही मतलब अभी आगे ऊपर आ चुके हैं, तो आगे दिखाते अभी क्या है या कुछ नहीं। यहाँ पे सामने की साइड में एक नया उज्जैन का मंदिर दिख रहा है, ये पुराना वाला है, ये पुराना वाला है। तो फिर आपको इधर के साथ सामने की साइड में एक नया वाला है, वो आपको जूम आउट तो नहीं कर सकता मैं अभी ज़्यादा। तो वही मतलब आपको ये दिखाना था। यहाँ पे नीचे एक पुतला जैसा है कुछ, पता नहीं अभी ये आगे जाके ही पता चलेगा, नीचे जाएगा तो अभी। तो वही मतलब यहाँ से मतलब ये घूमने जैसा तो है यहाँ पे उज्जैन में। ये देखो ये नीचे उतरने का रास्ता है, आपको जाना है तो जा सकते हैं यहाँ से। तो ये देखो ये पुतला है, कौन सा पुतला है मेरे को आई डोंट नो, मतलब पता नहीं मेरे को ज़्यादातर, अभी भी पता नहीं चल रहा है अभी तो। वही मतलब आपको जो जिसने भी देखा होगा वो कमेंट कर सकते हैं मेरे को, ताकि मेरे को पता चले कौन सा पुतला है वो। कुछ नहीं, आपको आगे भी दिखाता हूँ मैं कौन सा, मतलब आगे जाके ही दिखाता आपको कौन सा पुतला है। देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे नजारा है, तो है मतलब यहाँ पे घूमने जैसा तो है। ये अभी ये देखो, ये प्राचीन मंदिर है, कौन सा मंदिर पता नहीं, ये छोटा सा मंदिर है लेकिन बहुत प्राचीन मंदिर है। देखो ये शिवलिंग का एक ये पिंड है, मतलब यहाँ पे शिवलिंग है और गणपति बप्पा है आपके सामने की ओर। वही यहाँ पे एक प्राचीन मंदिर है, छोटा सा है लेकिन बहुत प्राचीन है बोले यहाँ पे। यहाँ के लोग बोलते हैं लेकिन यहाँ पे बहुत प्राचीन मंदिर है बोले, यहाँ पे दर्शन करना जरूरी है बोले। यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पे। तो गैस अभी मैं सामने आ चुका हूँ। देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो चार मूर्ति है। देखो एक ना ये ज्योतिर्लिंग है, यहाँ पे महादेव का एक शिवलिंग है, यहाँ पे देखो आप गणपति भी देख सकते हैं। उसके बाद में फिर ये देखो एक मूर्ति जैसा कुछ है, बहुत भीड़ है मतलब यहाँ पे तो ज़्यादातर ऐसा है। चेक कर सकते हैं कौन सा है, पता नहीं है क्या नाम है इनका वाला, आई डोंट नो, लेकिन आपको पता होगा वो कमेंट करो मेरे को, ताकि मेरे को पता चले। तो फिर आप मंदिर के सामने ही आओगे ना, तो फिर आपको यहाँ पे एक तालाब जैसा मिलेगा। यहाँ पे एक मंदिर है उसके सामने ही, मतलब ये देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे तालाब जैसा, ये सिप्ला नदी, ये वही होगा पानी, वो तो वही होगा सिप्ला नदी का ही पानी हो। तो आप देख सकते हैं, आपको नीचे चल के दिखाता हूँ मैं थोड़ी देर में, लेकिन यहाँ पे आप यहाँ से ही चेकआउट कर लो। देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिप्ला नदी बोलते बोले इसको। मैंने यहाँ पे एक जन को पूछा लेकिन वो बोल रहा था बोले इसको सिप्ला नदी बोलते हैं ब्रो, प्राचीन मन मतलब ये पानी बोले, यहाँ पे नहाना भी पड़ता है बोले। तो गैस अभी हम नीचे आ चुके हैं, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे इसको सिप्ला नदी बोलते हैं बोले। तो यहाँ पे फिर बोले यहाँ पे बोले नहाने का नहीं रहता बोले, यहाँ पे पूजा करने की रहती है बोले, सिप्ला नदी रहती है ना उसका पूजा करने की रहती है। तो वही मतलब आपको ये आपसे दिखाना था, ये सामने की ओर देख देख सकते हैं आप यहाँ पे। अभी यहाँ पे आगे जाके दिखाता हूँ मैं। तो फिर ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब कर लो फटाफट, जो ताकि मतलब मेरे को पता चले, कमेंट कर लो आपको मतलब शेयर कर दो आप। तो फिर आप देखते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाता हूँ क्या क्या होता है, कुछ नहीं आप देखते रहो, मतलब मैं भी मतलब दिखाता रहूँगा। टाटा।